चल। आ गई महारानी, मुझे तो इसकी सूरत ही जहर लगती है। मेरी बात सुनो, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चलो। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी वो जो छोटी भाभा है, मुझे उसकी सूरत जहर लगती है, और ऐसा है मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे मुंबई लेके चलो। अरे तो हो क्या गया, ये बात तो बताओ। अरे फालतू का बेवजह मुझसे उलझती रहती है, मुझे देख के टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है, बोलने नहीं चाहती बिल्कुल। चलो मैं अभी बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 25 लाख चाहिए, मैं मुंबई में शिफ्ट होऊंगा। बेटा मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा 25 लाख रुपए? अभी तो मैंने 4 मंजिल ये घर बनवाया। तो हमने थोड़ी बोला था कि 4 मंजिल घर बनवाओ, क्यों बनवाया? ये क्या तरीका है तुम्हारा पापा से बात करने का? हम भाइयों के बीच में तुम चुप रहो, समझी? चुप कराओ इन्हें। तू चुप रहे, और हाँ मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मुंबई में शिफ्ट होना है। क्या ये घर बेचो या कुछ करो, हमें हमारे पैसे चाहिए। भैया अगर आपको हिस्सा चाहिए ही था तो पहले बताते, जब एक मंजिल घर बना हुआ था, जब हमने 4 मंजिल बनवा दिया उसके बाद आप बोल रहे हो कि घर को बेचो, कुछ भी करो, हमें हिस्सा चाहिए हमारा। हाँ ये सही कह रिया, 4 मंजिल बनने के बाद में तुम्हें पैसे याद आ रहा है? मुझे कुछ नहीं पता, पैसा दो। तो फिर कान खोल के सुन ले, इस घर का हिस्सा बंटवारा तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं जिंदा हूँ, और चलो नीचे। अब अलीशा हम क्या करें? करें ही क्या, तुम्हारे पापा ने तो साफ इनकार कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर का हिस्सा बंटवारा नहीं हो सकता। तो तेरा क्या मतलब है उन्हें मार दें? अरे मैंने ऐसा कब कहा आपसे? वैसे ये आइडिया बुरा भी नहीं है। हाँ लेकिन कैसे मारा जाए, लोगों को हम पे शक भी ना हो और काम भी हो जाए। कुछ तो सोचना पड़ेगा, काम करें छत पे से फेंक दें। वो जो हमारी देवरानी है ना, उसके किचन में नमक के डब्बे में जहर मिला देंगे, काम भी हो जाएगा, नाम भी नहीं आएगा। अरे क्या पागल हो गई है, इससे तो पूरा घर मारा जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे। तो तुम ही कुछ सोचो आइडिया, अब अबू किरण से मरेंगे अगर किसी को पता चल गया तो। ताल लगा रहे थे, चुपक गए। हाँ ये सही है। हाँ भाई क्यों बुलाया? इस बोर्ड में कुछ ऐसा कर दो इसमें करंट आ जाए और जो इसका बटन खोले वो ऊपर पहुँच जाए। ठीक है भाई, हो जाएगा, लेकिन पैसे 500 रुपए लगेंगे। 1000 रुपए दूंगा, काम करो मेरा। ठीक है भाई। ठीक है सर, हो गया, इस बोर्ड में करंट चालू है, MC उठा दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हो। ठीक है भाई। अबू जरा पंखा खोल दो। ठीक है बेटा। अरे इनकी करंट ही नहीं लगा। अच्छा बेटा मैं जा रही हूँ जासर के पास, मुझे कुछ काम है। बुड्ढा मारा क्यों नहीं, कैसे पैसे दिए तुमने उसको 1000 रुपए? तो मेरे पास तू दिख रहे है क्या, मैंने कह दिया था करंट नहीं लगे। पता नहीं कैसा काम करवाते हो, बिल्कुल पागल ही हो। तो तू झूके देख ले। मैं जा रही हूँ देखने। सना जी, मैंने 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है। क्या 25 लाख? लेकिन आपने 25 लाख का इंतजाम किया कहाँ से? वो सब आप छोड़िए, अब मैं सोच रहा हूँ भैया को बुलाकर वो पैसे उन्हें दे दिए जाए। ठीक है। हेलो भैया, हमने 25 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है आपके लिए, आप आ जाइए। हाँ भाई छोटे, कर लिया 25 लाख का इंतजाम, बहुत जल्दी कर लिया। तो फिर लाओ। बेटा पैसे तुझे दे देंगे, लेकिन उससे पहले जासर तुझसे कुछ कहना चाहता है। बताओ क्या बात है? मैं आपको 25 लाख रुपए तो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपने इलेक्ट्रीशियन को बुलवा कर अपने पूरे बोर्ड में करंट क्यों फैलवाया, और फिर वही बटन पापा से खुलवाया। मैंने कहाँ खुलवाया? झूठ मत बोलो, जिसको तुमने बुलाया था वो मेरा दोस्त है और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या? वो अबू ने कहा था इस घर का हिस्सा बंटवारा तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं जिंदा हूँ, और चलो नीचे। तो हमने सोचा उन्हें मार के ये प्रॉपर्टी अपने नाम करा ले। इसीलिए हमने ये प्लान बनाया था कि अबू को किरण लगा के मार देंगे। कितनी घटिया सोच है तुम लोगों की, क्या अबू से बढ़कर हो गए पैसे? हमें माफ कर दो अबू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वैसे भी भैया मैंने कोई 25 लाख रुपए का इंतजाम नहीं करा था, वो तो सिर्फ तुम लोगों की सच्चाई उगलवाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था।